हेलो साथियों, मैं राजेश कुमार सिंह आपका अपना प्यारा चैनल नॉलेज जंक्शन मस्ती में हृदय से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज भारत के लिए बहुत ही गौरव और खुशी की बात है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हरियाणा के पानीपत के रहने वाले नीरज चोपड़ा, जो जैवलिन थ्रो यानी भाला फेंक के क्वालिफिकेशन राउंड में भारत के नीरज चोपड़ा पहले नंबर पर रहे हैं। उन्होंने अपने पहले ही प्रयास में 86.65 मीटर का थ्रो किया। नीरज अब 7 अगस्त को फाइनल खेलेंगे। नीरज को शुरू से ही टोक्यो ओलंपिक में मेडल का दावेदार माना जा रहा था और फाइनल में पहुंचकर उन्होंने भारत के लिए मेडल की उम्मीद जगा दी। तो गोल्ड मेडल से बस एक ही कदम दूर है नीरज चोपड़ा। फाइनल में पहुंचकर भारत के लिए इसलिए भी बड़ी जीत है क्योंकि उन्होंने 2017 के वर्ल्ड चैंपियन जोहन्नेस वेटर को भी पछाड़ दिया। जर्मनी के जोहन्नेस वेटर नीरज के बाद दूसरे नंबर पर रहे। जोहन्नेस ने पहले ही कहा था कि ओलंपिक में नीरज को हराना मुश्किल होगा। तो नीरज चोपड़ा ने पहले प्रयास में यह बड़ी कारनामा कर दिया और भारत की उम्मीद जगा दी और फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। भारत के लिए पदक की बहुत बड़ी उम्मीद जगा दी। तो भारत के लिए स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक की भाला फेंक प्रतियोगिता के ग्रुप ए क्वालिफिकेशन में बुधवार को यानी 4 अगस्त 2021 में को 83.50 मीटर का स्वतः क्वालिफिकेशन हासिल करते हुए फाइनल में जगह बनाई। ओलंपिक के इतिहास में अब तक कोई भी भारतीय एथलीट्स ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में पदक नहीं जीत सका है। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा इस सूखे को खत्म कर सकते हैं। बुधवार को ओलंपिक में पदार्पण कर रहे 23 साल के नीरज चोपड़ा ने अपने पहले ही प्रयास में भाले को 86.65 मीटर की दूरी फेंक कर आसमान में यह अपना इंडिया का तिरंगा लहराते हुए फाइनल में क्वालिफाई किया और भारत के लिए गोल्ड मेडल का उम्मीद जगाया। अब देखेंगे दोस्तों, 7 अगस्त 2021 को होगा महा मुकाबला। तो नीरज चोपड़ा को आप लोग बधाई दें और भारत को गोल्ड मेडल जिताने में नीरज चोपड़ा का हौसला बढ़ाते रहें। तो दोस्तों, ये था आज का न्यू अप टू डेट। मिल लेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।